अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है चैप्टर वन की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स। ये मेरे पास है एक फंक्शन, फाइंड हमने करने एफ ऑफ एक्स यानी एफ ओ फाइव एंड दो दफा ऑफ बड़ा है एफ ऑफ देन एफ ओ फाइव टू टाइम यहाँ पे हमने फंक्शन पुट करना है। इधर देखें जेंस, सबसे पहले हमने पुट करना है फाइव, इसमें ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, मैंने एफ ऑफ पढ़ा है, दो दफा एफ ऑफ पढ़ा है, एक दफा स्मॉल ब्रैकेट, आपको भी पता है सबसे पहले पैरेंथेसिस को हम सोल्व करते हैं देन हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले फाइव हम पुट करेंगे, जो लास्ट पे आंसर होगा वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, वही मेरा बन जाएगा लास्ट पे एफ ऑफ एक्स, जो लास्ट पे आंसर आएगा देन हम दोबारा उसी में ही पुट करने वाले हैं। तो ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर वन। हम क्या करें, सबसे पहले अभी जो मैंने कहा हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सबसे पहले एक्स में क्या पुट करने हैं फाइव। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं एफ ऑफ फाइव, अब आगे मेरे पास फाइव है सेम एज इट इज लिख लिया, अब ये एफ वैसे का वैसे ठीक है, अब एफ ऑफ फाइव है तो इसका मतलब क्या होगा एक्स में मैं क्या पुट करने वाला हूँ एफ ऑफ फाइव जो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब ये मेरे पास वन है, ये मैंने वन लिखा ओवर वन माइनस, और एक्स में मैं क्या पुट करूंगा फाइव इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस फाइव, क्या आंसर आ जाएगा माइनस फोर। इसलिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम पुट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन नंबर वन, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे मैं पुट कर रहा हूं फाइव को, नाउ एफ फाइव क्या आंसर देगा माइनस फोर, ये हो गया। अब जहां पे एफ ऑफ फाइव है मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा सेकंड टाइम जो मैंने आपको पहले बताया था एफ ऑफ, अब देखिए ये मेरे पास एफ ऑफ फाइव सेम एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यही एक्स सॉरी इस एक्स में पुट करना था हमने, ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, अब एफ सेम एज इट इज और एक्स मेरा ये कंप्लीट होगा एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू, ठीक है इसमें हम क्या करेंगे अब ये सेम एज इट इज वन ओवर वन माइनस एक्स में हम क्या पुट करने वाले हैं वन ओवर माइनस फोर, ठीक है मैंने पहले भी यही बताया था आपको, सबसे पहले आपने फाइव पुट करना है देन जो लास्ट पे जो आंसर आएगा सारा का सारा जो मेरे पास एफ ओ फाइव है, और एफ ओ फाइव किसके इक्वल है माइनस वन बाई फोर के इक्वल है या वन ओवर माइनस फोर के इक्वल है, वही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ एक्स में, यानी एक्स में हम क्या पुट करने वाले हैं वन ओवर माइनस फोर जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, देन आप इसको लास्ट पे करेंगे सिंप्लीफाई वन ओवर वन माइनस माइनस हुआ प्लस कि वन बाई फोर सेम एज इट इज, जब टू नंबर डिवाइड में हो दरमियान में प्लस जमा रहे हो तो हम उसका लेते हैं एलसीएम, तो एफ ओ फाइव इज इक्वल टू वन ओवर फोर, इसका आ गया एलसीएम फोर मल्टीप्लाई वन फोर और प्लस वन इज इक्वल टू वन ओवर फोर प्लस वन फाइव ओवर फोर, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल को चेंज करेंगे ठीक है तो वन फोर वन से मल्टीप्लाई होगा फोर मल्टीप्लाई वन फोर फोर ओवर फाइव, तो ये इसका मेरे पास हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव, लास्ट जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन फाइव इस लेक्चर का फाइव मेरे पास है शो दैट, अब देखिए बिल्कुल अलग पार्ट है जो हमने पहले कर लिया है, हमने ये पहले इसको किया हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस सेवन एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन वाले क्या पार्ट्स हमने पहले किए होंगे चैप्टर वन में, इवन या ऑड शो करते थे इवन है या ऑड, अगर आपको ये भूला हो तो मैं आपको दोबारा बता दूं, उसने कहा कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की क्या पहचान है हम पहले इसको रफ पे समझ लेते हैं कि जब भी हमें कहा जाए फंक्शन आपका इवन जो ऑड है तो हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे जहां जहां पे x होगा वहां पे पुट कर लेंगे माइनस एक्स जहां जहां पे x होगा, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास x, ठीक है x है मेरे पास, यहाँ या हम इवन की एग्जाम्पल लेते हैं ये मेरे पास x का स्केयर है, तो जहां पे x होगा वहां पे हम पुट कर लेंगे माइनस एक्स, ये मैंने पुट कर लिया, यानी इवन जो ऑड की ये पहचान होगी कि जहां जहां पे x है वहां पे हमने खुद से माइनस पुट करना है एक्स की जगह पे, देन हमने उसको करना है सिंप्लीफाई, जब मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया प्लस एक्स का स्क्वायर, अब एफ ऑफ माइनस एक्स में जब मैंने पुट किया माइनस एक्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स इक्वल है, यानी माइनस पुट करने के बाद देन उसको सिंपलीफाई करने के बाद अगर आंसर सेम एज इट इज वही आ जाता है जो क्वेश्चन में है और बाहर प्लस हो तो वो मेरे पास फंक्शन होता है इवन। ठीक है, याद रखिएगा माइनस पुट करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद अगर आंसर वही आ जाता है जो असल क्वेश्चन है तो वो मेरे पास फंक्शन होता है इवन। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, ये पहचान याद रखिएगा इवन की, ताकि हम इसको सोल्व कर सके पार्ट को जो मेरे पास है फाइव। अब मैंने इसको, इसने क्या कहा है क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करना है इवन हो, प्रूव भी करने हैं तो क्या कर लेंगे हम इवन के मुताबिक, फंक्शन के मुताबिक जो इवन है पुट कर लेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस वन, उसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर वन का। नाउ जहां जहां पे एक्स है वहां पे मैं स्टूडेंट पुट कर रहा हूँ माइनस, यहाँ पे भी एक्स है ब्रैकेट लगा के उसका स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा और प्लस सेवन सेम एज इट इज। नाउ मैथ के रूल के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं सिंपलीफाई, माइनस की पावर जब इवन नंबर हो प्लस में कन्वर्ट होगी, माइनस की पावर जब इवन नंबर हो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, लास्ट पे माइनस प्लस सेवन सेम एज इट इज। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस सेवन एक्स का स्केयर प्लस सेवन, क्या यही हूबहू कोई क्वेश्चन नहीं बन गया? सेम एज इट इज, हर नंबर सेम, हर साइन भी सेम है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इवन में जब माइनस पुट करने के बाद असल जो आंसर है वही क्वेश्चन में हो तो हम इसको कहते हैं कि ये मेरे पास सेवन पर, यानी ये किसके इक्वल एफ ऑफ एक्स के, यही मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा तो ये मेरे पास क्या है हेंस ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो चुके हैं कि फंक्शन मेरे पास क्या है इवन है। ठीक है स्टूडेंट्स।